दिल्ली में तो गर्मी तूफान है और यहाँ देखो जांगला पास में कितनी स्नोफॉल हो रही है। ये देखो बर्फ की बर्फ। स्पैमिक विलेज है आगे, नीचे जा रहा वो सीधा सेकंड व्यू पे, सेकंड व्यू पॉइंट है जो लेक का, हम वहाँ जा रहे हैं। नीचे उतरने के लिए ये रास्ता है, सेकंड व्यू पॉइंट ऑफ पेंगोंग लेक हम चल रहे हैं। और लास्ट टाइम तो यार मज़ा आ गया था, पेंगोंग के साथ चलते गए 20-30 किलोमीटर हमने पेंगोंग आगे पूरी कवर करी है। ये जो कोने पर दिखाई दे रहा वो पूरा हम वो कोने से आगे तक गए थे, पेंगोंग लेक से, पेंगोंग लेक को पूरा क्रॉस करके हम गए थे चुसुल में। और चुसुल यहाँ से 55 किलोमीटर है इस रूट से जाएं तो, और दुर्बुक से जाएंगे तो 73 किलोमीटर। दुर्बुक वाला रूट कह रहा है काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाता है अगर आपने यहाँ से जाना है तो, पेंगोंग से तकरीबन 100 किलोमीटर सोच लो। ये देखो यार नज़ारे देखो, पेंगोंग लेक के नज़ारे, ब्यूटीफुल पेंगोंग लेक। यहाँ पे एंटर होते ही एक तो फर्स्ट व्यू पॉइंट आता है, तो मोस्टली टूरिस्ट वहीं से होके चले जाते हैं। और ये है सेकंड व्यू पॉइंट, ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर बाद आता है और काफ़ी ऑफ रोडिंग करके आना पड़ता है। और ये व्यू देख लो यार, कमाल की है ये पेंगोंग लेक। इसी के पीछे झगड़ा चल रहा है अभी चाइना के साथ। 2018 में हम ये पेंगोंग के साथ साथ गए थे चुसुल, बिल्कुल साथ साथ पेंगोंग, तकरीबन 20-25 किलोमीटर आगे तक हम गए थे पेंगोंग हमारे साथ चलते गए। और आगे तो व्यू और भी ख़तरनाक है यार, अगर चुसुल का हमें परमिट मिल जाता मज़ा आ जाता। चलो थोड़ा फोटोग्राफी करता हूँ फिर उसके बाद वापस चलते हैं। तो गाइस हमने पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन ये अधूरा सा लग रहा है क्योंकि इसके साथ साथ चुसुल पहुंच जाए तो यार सोने पे सुहागा हो जाता है यार, बहुत ही खूबसूरत है पेंगोंग लेक। और बीच में तो ऐसे व्यू आते हैं ना, फोटोग्राफी करने में बहुत मज़ा आता है यार। वो पता नहीं कब ये परमिट खोलेंगे, मैं तो दोबारा जरूर आऊँगा नेक्स्ट टाइम चुसुल के लिए, चुसुल और हंडले के लिए। यहाँ से हम नीचे उतरे थे और आगे से हम आए घूम के। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है अभी हम करेंगे कहीं लंच, एक घंटा राइड करके हम पिक्से में जाते हैं, वहाँ फिर करेंगे लंच और फिर जाएंगे ले, ले में करेंगे स्टे और शॉपिंग, थोड़ी बहुत शॉपिंग, इतनी नहीं, वो झंडे झुंडे ले रहे हैं यार हमने, प्रे फ्लैग्स वो लेके फिर सीधा निकलेंगे कल श्रीनगर को। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पेंगोंग लेक, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है ऊपर से, शानदार। तो चलते हैं ठीक से। तो गाइस अभी हम हैं ठीक से और हिमालय रेस्टोरेंट, यहाँ पे अभी हमने किया है लंच, मैंने खाए हैं राजमा चावल और अमित भाई ने भी राजमा चावल। तो खा पी के हो गए रेडी, हमने अपना अभी रेन कोट निकाल लिया है क्योंकि सामने देखिए मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, बादली बादल हो रहे हैं और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और चांगला में बुरा मिलेगा या तो स्नोफॉल मिलने के चांसेस पूरे पूरे हो रहे हैं। बस अब निकलते हैं, फ्यूल मैंने डाल लिया है जो कैन में था हमारा, 1 लीटर बचा लिया है तो 3.5 लीटर डाल लिया है। तो देखते हैं अभी 100 किलोमीटर 115-120 किलोमीटर हो जाना हमने तो पहुंच ही जाएंगे लगभग, ठीक है तो बने रहना हमारे साथ। हिमालय रेस्टोरेंट पे हमने खाए हैं राजमा चावल और कॉफ़ी पी है, तो अब हम चल पड़े हैं, अभी एंट्री करानी पड़ेगी पहले पुलिस पोस्ट पे। एक्सक्यूज मी 32 नंबर,
बस इतना ही काम था, जाओ जाओ। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे दुर्बुक, वहाँ पे अमित भाई के लिए पेट्रोल लेंगे ब्लैक में, फिर आगे चलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चांगला की तरफ, ये पहाड़ पूरा चढ़ गए ऊपर, सबसे टॉप पे पहुँचेंगे और उसके बाद नीचे उतरेंगे लेह की तरफ। तो दुर्बुक से रास्ते कट जाते हैं, एक तो पेंगोंग को चला जाता है रास्ता, एक चला जाता है अपना उंदर को नुब्रा वैली, और तीसरा रास्ता है लेह को। तीन रास्ते कटते हैं यहाँ से। तो 3:36 हो गए हैं और हमने अभी भी 90 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस कवर करना है लेह के लिए, और कारू यहाँ से होगा 70 किलोमीटर जहाँ पेट्रोल पंप है। तो कारू में हमें पेट्रोल पंप मिलेगा, उससे पहले चांगला बाबा के दर्शन होंगे। चांगला जो सेकंड हाईएस्ट पास है उसको हम क्रॉस करेंगे। सफ़र कैसा है ये सफ़र, मंजिलों की न कोई खबर। ऊपर देखो मौसम कैसा खराब हो रहा है, ऊपर स्नोफॉल के 100% चांस है। जिस हिसाब से बादल छाए हुए हैं ना, हमने ऊपर टॉप पे जाना है चांगला पास पे, तो वहाँ पे स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 3:52 हो गए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है और ऊपर मुझे लग रहा है स्नोफॉल होगी। तो मैं कैमरा बंद करके रख रहा हूँ, पैक करके रख रहा हूँ, और मैं विंडशीटर पहन रहा हूँ साथ में, ताकि रात से तो बचूँ। बूंदाबांदी शुरू हो गई है बहुत तेज़, तो ऊपर चांगला पास में अगर बरसात बंद हो जाती है फिर मैं कैमरा ऑन करूँगा। तो गाइस 4:40 हो गए और हम हैं चांगला पास पे, और चांगला पास पे देखिए, मैंने कहा था आपको स्नोफॉल हो रही है, बड़ी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। ये देखिए हमारी बाइक पूरी वाइट हो गई है, वो है चांगला पास का बोर्ड, और पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। ये देखिए कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए हैं, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? बिट्टू भाई आए हैं एमपी से, बर्फ़ के मज़े ले रहे हैं। और ये हमारे अमित यादव जी भी आ गए हैं, ले ले मज़े। हाथ हैं या ख़त्म हो गए? हाथ हैं, ख़त्म हो गए। एक तो रोड, ऊपर से मौसम। हाँ जी, हाँ मैंने कहा था ना रुक जाओ आज। और हम अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा कम हो जाए स्नोफॉल फिर निकलेंगे। अभी हमें आधा घंटा हो गया स्नोफॉल में, बाइक चला रहे थे, हाथ पूरे जाम हो गए थे। पीछे देखिए बाइक, ये रही हमारी बाइक, बहुत बुरा हाल है, अंदर जाना पड़ेगा, हाथ बिल्कुल सुन पड़ गए हैं। अब ये नीचे डाउन जाना है हमने, ये देखो ये। अब स्लिप होने का चांस ज़्यादा है, अभी भी 70-80 किलोमीटर नीचे जाना है। और अब थोड़ा चैन आया है, 10 किलोमीटर हम नीचे उतर आए हैं, और व्यू देखो यार पीछे, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, बहुत ही शानदार व्यू। और ये मेरी बाइक पड़ी है, तो ऊपर तो स्नोफॉल ने ऐसी तैसी कर दी, पैर पूरे जम गए, हाथ पूरे सुन पड़ गए थे, और बड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर तक नीचे आए और यहाँ गायब। बारिश हो के जा चुकी है, मैं बर्फ़ दिखाता हूँ मेरी बाइक पे, बर्फ़ देखना। ये देखो, ये देखो। तो ग्लव्स चेंज कर लिए मैंने, चलते हैं यार, धूप भी निकलाई है, सूर्य देवता ना हो तो बंदा मर ही जाए। और व्यू यार बहुत ही, नीचे ग्रीनरी बहुत है यार, और उस रोड पे जाना है ये सामने वाली, क्या है यार। आ,
और कारू पे अभी पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ पे पेट्रोल भी डलवाना है। ये क्या रोड बार बार ख़राब हो जाती है भाई का, लग रहा पेट्रोल ख़त्म हो गया। क्या पेट्रोल ख़त्म हो गया? अरे नहीं, अभी मेरे भी सर दो पॉइंट रह गए, कारू में मिलेगा। हाँ नीचे डाउन तक ले जाओ ना, डाउन तक नीचे ऐसे ही ले जाओ। हमने वहां से ब्लैक में लिया था उधर। हाँ ओके, ये दिक्कत होती है जो एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं लेके जाते, हम तो लेके गए थे इसलिए बच गए, लेकिन 2 लीटर फिर भी हमने एक्स्ट्रा फ्यूल लिया था और 15 रुपये एक्स्ट्रा मिला था हमें, मतलब 120 रुपये आई थिंक मिला, 120-122 रुपये का। अब थोड़ी रात मिली है, हाथ नहीं तो सुन पड़ गए थे और पैर भी सुन पड़ गए थे, पैर तो अभी सुन हो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। नीचे जाते जाएंगे और गर्मी भी शरीर में आती जाएगी, गर्मी भी बहुत ज़रूरी है भाई। मज़ा आ रहा है यार बाइक चलाने में, डबल रोड आ गया है, लेकिन 10-12 किलोमीटर तक तो हालत ख़राब हो गई थी। अरे ठंड, अभी भी ठंड लग रही है, जाते ही कंबल मिल जाए बस, बसर के सो जाए बस, खाना भी ना मिले चाहे, इतनी ठंड लग रही है। क्योंकि पैंट पूरी गिली है और ग्लव्स तो मैंने चल चेंज कर लिए, पैर में भी अभी भी ठंड लग रही है डबल जुराब के बावजूद। ओहो, वी आर रीच्ड एट कारू, कारू पहुंच गए हैं। और ये देखिए दो रास्ते, स्ट्रेट जाएंगे तो ले और लेफ्ट को जा रहा है अपना मनाली, मनाली और चुआतांग। काफ़ी बारिश हुई है यार, पूरा पानी पानी भरा हुआ है। लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए हैं वापसी लेह में, लेह से चले थे और घूम फिर के वहीं वापस लेह में पहुंच गए हैं। ये देखिए शांति स्तूपा, स्तूपा बहुत ही प्यारा स्तूपा बना रखा है। हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में और लगभग 8:30 बजे पहुंच गए थे। ये रूम है हमारा, ये देख लो, अभी खाने का ऑर्डर दिया है, दाल चावल रोटियाँ और कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि लेट हो चुके हैं हम। तो कल का ये सीन है कि कल हम निकलेंगे अपने घर को वाया श्रीनगर होके, तो सुबह आई थिंक 11 बजेंगे हमें निकलते निकलते, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, सोनमर्ग लगाने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो यही प्लान है।